किसी इमेज को अपने सिस्टम में बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। मैं वॉलपेपर की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ सिस्टम बैकग्राउंड बात कर रहा हूँ। मतलब एक अगर आप इससे अपना कोई फ़ोटो एज अ बैकग्राउंड लगा देते हैं तो आप कुछ भी खोलेंगे सो वहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो बैकग्राउंड में एज अ ओवरले शो होगा। सो आप लोग उससे अपने फ्रेंड्स को ट्रिक कर सकते हैं कि वो पूछेंगे आपने कैसे किया, तो आप उन्हें ये वीडियो का लिंक भेज देना। सो इस ऐप में एक और अच्छा टूल है कि आप इसमें कलर पिकर जो है इसका फीचर है, इसमें आप कलर पिकर को ऑन कर दीजिए और आप कहीं भी कोई भी ऐप खोलिए, कुछ भी करिए, तो ये हाँ आपको स्क्रीन के ऊपर शो करेगा कि ये कलर का कोड क्या है, ये कलर कौन सा है। तो आप लोग ये डेवलपर्स के लिए काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है। सो अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर आपको कलर्स अच्छे लगते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ जो है वो कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। सो आप लोगों ने देखा होगा कि RGB कीबोर्ड्स आते हैं जैसे कि मेरे पास है। सो अगर आप लोगों को यही सेम फील अपने एंड्रॉयड डिवाइस में चाहिए सो ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों के लिए है। सो ये कीबोर्ड है RGB कीबोर्ड। सो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। सो अगर आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन में जो बोरिंग सा वाइट और ब्लैक कलर का जो कीबोर्ड होता है वो रिप्लेस हो जाएगा एक RGB कीबोर्ड। लोगों के फ़ोन में नॉच नहीं है, कुछ नहीं है, फुल व्यू डिस्प्ले वाला फ़ोन है जैसा कि मेरा फ़ोन है। सो इसमें नोटिफिकेशन लाइट हमें नहीं मिलती, सो ये एक डाउन साइड है। बट इस एप्लीकेशन की मदद से आप सॉफ्टवेयर से एक नोटिफिकेशन LED को टर्न ऑन कर सकते हैं। सो ये क्या करता है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है किसी भी ऐप में, आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कौन कौन से ऐप की नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन लाइट को जो है शो करना है। तो इससे आप ऐप चूज़ कर लीजिए और जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो ये आपकी स्क्रीन पे टॉप पे कहीं पे कॉर्नर में एक LED शो करेगा। बिल्कुल LED लगती है वो देखने में, और इससे आपको पता चल जाएगी कि आपके फ़ोन में कौन से ऐप की नोटिफिकेशन आई है और आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है, आप यूज़ कर सकते हैं, लिंक इसकी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड आपके लिए एक और बोनस एप्लीकेशन है। सो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वॉलपेपर ऐप कौन सा यूज़ करते हैं वॉलपेपर्स के लिए, तो मैं यूज़ करता हूँ वॉल ड्रॉप्स। और ये एप्लीकेशन का UI भी काफ़ी अच्छा है और इसमें वॉलपेपर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो मैं जो वीडियो में अपने वॉलपेपर्स यूज़ करता हूँ वो इसी एप्लीकेशन से सेट करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे वॉलपेपर्स चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वॉल ड्रॉप्स एप्लीकेशन की, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज मी योर होस्ट हर्ष एंड आई एम सॉरी।